सीरियल परदेश में है मेरा दिल में हरजीत और सुधा मिलकर नैना के केयरिंग वाइफ होने का ड्रामा रिहान के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। सीरियल परदेश में है मेरा दिल में नैना और दादी मिलकर रिहान के पूरे परिवार को एक एक करके उससे दूर कर रहे हैं। नैना रिहान से राघव की मौत का बदला ले रही है और वो धीरे धीरे अपने सभी प्लान्स में कामयाब भी हो रही है। नैना हर कदम पर हरजीत को डिफेम कर रही है और ये सब देख कर हरजीत और भी ज्यादा गुस्सा होती है। वो नैना के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है और धीरे धीरे नैना पूरी तरह से रिहान की जिंदगी पर कब्जा कर रही है। लेकिन अब हरजीत कुछ बड़ा करना चाहती हैं। वो सुधा को अपने साथ मिला लेती हैं। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो नैना के ड्रिंक में कुछ मिला देंगे, जिसके बाद नैना अपना सब कुछ खुद ही रिहान के सामने कबूल कर लेगी। हरजीत रिहान के सामने नैना का ड्रामा एक्सपोज करना चाहती है। वो एक केयरिंग बीबी होने का सिर्फ नाटक कर रही है, ये दिखाना चाहती है। एक्चुअली में वो रिहान से प्यार नहीं करती। वो ये सब प्लानिंग रिहान के खिलाफ कर रही है। सुधा नैना के ड्रिंक में कुछ मिला देती हैं और वेट कर रही होती है कि वो अपना सच खुद कन्फेस कर ले। लेकिन होता है बिल्कुल उल्टा। नैना अपना सच कन्फेस करने की बजाय रिहान के साथ फ्लर्ट करने लग जाती हैं। नैना रिहान को बोलती है कि कैसे वो उससे पहले नफरत करती थी, लेकिन अब वो उसको बहुत पसंद करने लग गई है। लेकिन ये सब नैना का ड्रामा होता है, क्योंकि उसने वो ड्रिंक पी ही नहीं होती है। अब देखते हैं कि हरजीत अपना कौन सा नया प्लान चलती है, वो कैसे नैना को रिहान से दूर करती है। वेली शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सीरियल परदेश में है मेरा दिल में हरजीत और सुधा मिलकर नैना के केयरिंग वाइफ होने का ड्रामा रिहान के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। सीरियल परदेश में है मेरा दिल में नैना और दादी मिलकर रिहान के पूरे परिवार को एक एक करके उससे दूर कर रहे हैं। नैना रिहान से राघव की मौत का बदला ले रही है और वो धीरे धीरे अपने सभी प्लान्स में कामयाब भी हो रही है। नैना हर कदम पर हरजीत को डिफेम कर रही है और ये सब देख कर हरजीत और भी ज्यादा गुस्सा होती है। वो नैना के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है और धीरे धीरे नैना पूरी तरह से रिहान की जिंदगी पर कब्जा कर रही है। लेकिन अब हरजीत कुछ बड़ा करना चाहती हैं। वो सुधा को अपने साथ मिला लेती हैं। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो नैना के ड्रिंक में कुछ मिला देंगे, जिसके बाद नैना अपना सब कुछ खुद ही रिहान के सामने कबूल कर लेगी। हरजीत रिहान के सामने नैना का ड्रामा एक्सपोज करना चाहती है। वो एक केयरिंग बीबी होने का सिर्फ नाटक कर रही है, ये दिखाना चाहती है। एक्चुअली में वो रिहान से प्यार नहीं करती। वो ये सब प्लानिंग रिहान के खिलाफ कर रही है। सुधा नैना के ड्रिंक में कुछ मिला देती हैं और वेट कर रही होती है कि वो अपना सच खुद कन्फेस कर ले। लेकिन होता है बिल्कुल उल्टा। नैना अपना सच कन्फेस करने की बजाय रिहान के साथ फ्लर्ट करने लग जाती हैं। नैना रिहान को बोलती है कि कैसे वो उससे पहले नफरत करती थी, लेकिन अब वो उसको बहुत पसंद करने लग गई है। लेकिन ये सब नैना का ड्रामा होता है, क्योंकि उसने वो ड्रिंक पी ही नहीं होती है। अब देखते हैं कि हरजीत अपना कौन सा नया प्लान चलती है, वो कैसे नैना को रिहान से दूर करती है। वेली शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।